आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से। कोडरमा के रास्ते रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। आपको बता दें कि अहले सुबह ट्रैक पर भूस्खलन होने की वजह से मिट्टी के साथ साथ भारी पत्थर के टुकड़े आ गए, जिससे परिचालन में बाधा आई और चालक के सूझबूझ की वजह से यात्रियों की जान बच गई। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। नई दिल्ली से चलकर कोडरमा के रास्ते रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अहले सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। मामला है कि भारी बारिश के कारण घाट सेक्शन में कई जगहों पर भूस्खलन होने के कारण मिट्टी के साथ ही पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रेलवे ट्रैक पर गिर गए और उसके कारण नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर परिचालन बाधित हो गया। रेलवे प्रशासन ने बताया कि भारी बारिश के कारण कोडरमा घाट सेक्शन स्थित बस बांसकटवा ब्लॉक हॉल्ट नाथगंज के बीच भूस्खलन होने के कारण मिट्टी के साथ ही बड़े पत्थर के रेलवे ट्रैक पर आ गए। इस दौरान ट्रेन संख्या 02242 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी। सुबह में जैसे ही लोको पायलट की नजर ट्रैक पर पड़ी, उसने ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और ट्रेन सुबह 5:17 से वहीं पर खड़ी है। जबकि राहत कार्य के लिए नई रेल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और पत्थर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस कारण दूसरी तरफ पीछे से आ रहे 3 ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसमें रांची राजधानी के अलावा न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और गाजीपुर सिटी कोलकाता एक्सप्रेस रुकी हुई है। रेलवे ट्रैक से बॉर्डर हटने के बाद इन सभी ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। यानी कि अगर रेलवे के ड्राइवर की बात करें तो ट्रेन के चालक ने अपनी सूझबूझ की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने से ट्रेन को बाल बाल बचा लिया, साथ ही साथ किसी भी जान माल को क्षति नहीं पहुंची। दरअसल इन दिनों भारी बारिश दर्ज की जा रही है बिहार समेत झारखंड के अलग अलग इलाकों में और यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने की वजह से भारी पत्थर के टुकड़े ट्रैक पर अचानक ही आ पड़े और यही वजह थी कि अचानक से ही चालक को अपनी सूझबूझ लगानी पड़ी और ट्रेन को ब्रेक देना पड़ा। फिलहाल 3 ट्रेनें उन ट्रेनों के पीछे रुकी हुई है। सुबह 5:17 से ये ट्रेनें ट्रैक पर ही खड़ी हैं। जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा, पत्थर हटा दिए जाएंगे, उसके बाद ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।